So guys, welcome back to the new world. Go again to the university, and this man is crying. Cry, boy. How was it? What crying? Cry. तो बहुत खुश थे, बहुत अच्छा लग रहा था। वापस जा रहे, पता नहीं क्यों ऐसा गमगीन सब लग रहा है, पता नहीं क्यों। खुदा से ये वादा है कि दुनिया किधर गई, बस खुदा से ये सवाल है। खुदा से ये सवाल है कि धुन ना हो, अगर धुन हो तो, अगर धुन ना हो तो फायदा होगा, अगर धुन हो गए तो फिर हम लड़ उठ जाएंगे। और आपको पिशावर पिशावर के माहौल का पता है कि कितने बॉन्ड के रो आप करते हैं। Guys, finally we reach Peshawar and we are searching for taxi to go to the hostel. If you are new on the channel, to please subscribe the channel and press the bell icon. फार्मेसी किया है, फार्मेसी में एडमिशन की है। ये सेक्शन ए में है और हम दोनों सेक्शन बी में हैं। और ये जो है ये ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इसलिए सेक्शन ए में है और वो स्टडी के बहुत शौकीन है, शौकीन है स्टडी के, लेकिन दिमागी हालत से थोड़ी सी कमज़ोर है। तो ज़्यादा टाइम स्टडी करने की ज़रूरत है उसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। शायद हमारे 2 तारीख में एग्ज़ाम होगा मेट का, तो हम रिफ्रेशमेंट के लिए घर गए थे, घर वाले भी याद हुए थे। माँ के लिए मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं माँ से जुदा होके वापस आया,
मैं रोया भी, वो भी रोई, और मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं दोबारा आऊँ, लेकिन फिर भी मजबूरी है, पड़ता है। माँ बाप की खुशी के लिए हम आते हैं, उनकी खुशी है कि हम बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट पे या अच्छी अच्छी जॉब पर, अच्छी कमाई पर, तो इसलिए वो हम पर खर्च करते हैं, और हम हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे पढ़े ताकि उसको उसका रिस्पांस दे दे, कि अच्छी तरह से पढ़ाई करे, अच्छी तरह से रिस्पांस दे दे, ताकि वो कल फख्र करे हम पर कि हमारा बच्चा भी फार्मेसिस्ट है, जॉब करता है, पैसे कमाते हैं, डॉक्टर है, और जो कुछ भी है, लेकिन माँ के और बाप के फख्र के लिए कुछ भी करना है, अपने फ्यूचर भी अच्छे बनाने के लिए हम पढ़ रहे हैं, लेकिन असल वजह हमारे माँ बाप की खुशी है। तो अब हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ, यूनिवर्सिटी के पास हमारा हॉस्टल है, हम हॉस्टल पे रहते हैं। हमारा ड्राइवर ये जवाद भाई, हम तीनों एक अच्छी दोस्त हैं, रूममेट तो नहीं है लेकिन दोस्त ज़रूर है, और हम जा रहे हैं। अस्सलाम, शुक्रिया खास भाई आपके अच्छी अच्छी बातों का, और मेरे पेरेंट्स के साथ अपने अल्फाज शरीक करने का मैं आपका बहुत शुक्र गुजार हूँ। ऐसा होता है कि क्यों नहीं आप मौका देते हैं, अब हम नहीं ठीक है, क्यों नहीं जवाब को हम कहते क्यों बोले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवाद खान, आप स्वागत, मैं पेशावर पहुँच गया, मेरे साथ वकास भाई है और सईद भाई है, 4 बजे हम गाड़ी में बैठा था, बस इस वक्त हम पहुंच गए पेशावर। ये है सिटी ऑफ फ्लावर, ये हमारे साथ एक बाबा है, ये इसकी टैक्सी में हम बैठे हैं, और यूनिवर्सिटी भी बहुत करीब है, तकरीबन 15-20 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। बस वकास जो है ना बहुत खपा है घर के लिए, माँ भी याद किया देते हैं और ब्रदर की भी याद आते हैं, बहुत खपा है वकास भाई। अब थोड़ा सी बात, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे फैमिली जो है, दो मेरे माँ बाप है, 4 मेरे प्यारे प्यारे भाई है, 1 मेरी छोटी बहन है, तो मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरी सारी फैमिली मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरे 2 भतीजे हैं, वो भी मेरे दिल के टुकड़े हैं, मेरे दिल के जिगर है। मैं तो इससे जुदा होकर ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बड़ा जिहाद कर रहा हूँ, हम मुजाहिदीन में भी शुमार होते हैं, ताकि हम जिहाद कर रहे हैं, सारे घर वालों को छोड़ के ऐसा कौन कर सकता है, ऐसे सहानी से कौन कर सकता है, ऐसी उम्र में, छोटी उम्र है हमारी, इस उम्र में हम आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मुसाफरी कर रहे हैं, और उसको छोड़ कर हम पढ़ाई कर रहे हैं, और बातें तो ज़्यादा नहीं आती, लेकिन फिर भी हम सैयद अहमद को मोबाइल देते हैं कि आपके साथ थोड़ा सा बातें शेयर करें। جانان می پی خور دے ز سواتی یما پانا یو بن جانان می سواتی دا ز توئی مال درا جی شیرونا پلیز فائنلی می ہسٹل پہنچ گیا آپ اپنا ڈیر ڈیر سا خیال رکھیے گا اور اگلی ولاق کے لیے اللہ حافظ تھینک